नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है यूके ट्रिपल एससी से, जहां जो सचिव संतोष बड़ोनी है वो अपने पद से हटाए गए हैं। आपको बता दें कि यूके ट्रिपल एससी से ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। एस राजू जो अध्यक्ष थे यूके ट्रिपल एससी के, उनके इस्तीफे के बाद ये सबसे बड़ी खबर है कि जो सचिव पद पर संतोष बड़ोनी थे उन्हें आज हटा दिया गया है। एक पत्र जारी किया जाता है, वो पत्र भी आपको जरूर दिखाएंगे कि जिस तरीके से संतोष बड़ोनी को हटा दिया गया है। और कहीं ना कहीं वीपीडी और वीडियो जो पेपर लीक मामला था उसे जोड़ते हुए पूरा प्रकरण नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो युवा था वो ये मांग कर रहा था कि तमाम जो यूके ट्रिपल एससी के जो कर्मचारी हैं उन्हें हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इसी प्रकरण में अगर हम देखेंगे, इसी क्रम में अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पहले अध्यक्ष एस राजू का इस्तीफा, उसके बाद आज जो बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि संतोष बड़ोनी जो सचिव पद पर तैनात थे उन्हें हटा दिया गया है। और एक पत्र मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वो पत्र भी आप तमाम लोग जितने जुड़ते रहेंगे इसे शेयर जरूर करिएगा। ये पत्र आया है जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून में कार्यालय आदेश संख्या ये है। उस पत्र में साफ लिख दिया गया है कि जो संतोष बड़ोनी है अपने पद से उन्हें मुक्त कर दिया गया है और उनकी जगह पे सुरेंद्र सिंह रावत जो संयुक्त सचिव थे उत्तराखंड शासन में, उन्हें वर्तमान कार्यभार के साथ साथ उत्तराखंड जो यूके ट्रिपल एससी है उसका भी सचिव पद पर अतिरिक्त प्रभार प्रदान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, जितने तमाम लोग जुड़ते रहेंगे इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीपीडी और वीडियो से जुड़ा हुआ मामला है। और हमने लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि लगातार जो सर्जिकल स्ट्राइक है एसटीएफ की वो जारी है, उसी क्रम में आज ये बड़ा फैसला यूके ट्रिपल एससी की तरफ से, शासन की ओर से। हमारे साथ सीधे इसमें जुड़े हुए हैं प्रसाद सेमवाल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और अगर बात करें वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत लंबा अनुभव रहा है, सीधे उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे, क्योंकि कई घोटाले हुए इस प्रदेश में, कई बार ऐसी गाज गिरी है, कई बार इस तरीके की प्रकरण निकल कर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या है, जितने लोग जुड़ते रहेंगे, तमाम 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, इसे शेयर जरूर करिएगा। जो तमाम युवा थे जो तमाम ये मांग कर रहे थे उनसे जुड़ के शेयर जरूर करिएगा। सीधे शिव प्रसाद सिंबल जी के पास, सिंबल साहब, बड़ा प्रकरण है, बड़ी खबर है उत्तराखंड की, अगर बात करें युवाओं के लिए भी और जो पेपर दे रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, क्योंकि पहले तो आस लगाई जाती है, उसके बाद पेपर लीक होता है, उसके बाद कई भर्तियां रोक ली जाती है कंट्रोलर जो परीक्षा नियंत्रक है उसके कमी के कारण। अब बड़ी खबर की सचिव का इस्तीफा, क्या कहेंगे इस पर पूरे प्रकरण? इस पूरे प्रकरण में जो देखने को आ रहा है कि नकल माफिया जो है, नकल जो गैंग है, वो अभी भी पूरी तरीके से हावी है और सरकार के दबाव को देखते हुए और जनता के दबाव को देखते हुए, जनप्रतिनिधियों के दबाव को देखते हुए भी, अभी कुछ दिन पहले जो विधायक हैं खानपुर के उमेश कुमार ने भी सचिव जो आयोग के सचिव को हटाने की मांग को लेकर के 15 अगस्त को घेराव का भी आह्वान किया था। बिल्कुल, तो इस तरीके से तमाम दबावों को देखते हुए सरकार ने जो है इनको हटाने का निर्णय लिया है। और वैसे भी सितंबर में इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार इन्होंने एस राजू जो आयोग के अध्यक्ष थे उनको पहले ही अनुरोध कर चुके थे कि अगर आपका कार्यकाल जब खत्म होगा या अगर आप बीच में कोई इस्तीफा देते तो उससे पहले आप जो है मेरे को भी जो है सचिवालय के रिलीव कर दिया जाए। और इनका आवेदन पहले से ही अध्यक्ष के पास था जिसको अभी सरकार ने टेकअप करते हुए उसको उनको जो है रिलीव कर दिया। हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए सिमल जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, घोटाले तमाम हुए हैं, ये कोई पहला प्रकरण नहीं है जिसे हम ये कहेंगे कि सिर्फ यही प्रकरण उत्तराखंड में हुआ। हमने लगातार देखा है जब जब भर्ती आई हैं उसमें नकल माफिया एक्टिव रहा है। पर एक सवाल उठ के आता है, जो सचिव संतोष बड़ोनी थे वो लगातार सवालों के जवाब दे रहे थे, कोई मीडिया वाला उनके पास जाता था वो अपनी बात रखते थे, अपनी बात कहते थे और हमेशा ये बात करते थे कि जो यूके ट्रिपल एससी है उन्होंने अपने आप को लगातार सुधार किए हैं, लगातार उनके कार्यकाल में ये बातें होती थी। पर उसके बाद भी जिस तरीके से वीपीडीओ का मामला है उसके बाद से ही जो वो युवा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका ये केस आया, उसका वो मांग कर रहे थे कि संतोष बड़ोनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अब ये विषय क्या है, आप बड़े बारीकी से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? संपत्ति की नहीं बल्कि सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। संतोष बड़ोनी क्या कार्य किए हर एक चीज़ की जांच हो जानी चाहिए और जितनी परीक्षाएं करी उन सारी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। संतोष बड़ोनी के आय की संपत्तियों के बारे में भी जांच होनी चाहिए, तमाम चल अचल संपत्तियों, क्योंकि जांच कराने में कभी भी किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। ना तो हमें कोई दो टूक कहने में इस बात का कोई गुरेज है कि उनकी जाँच होनी चाहिए, ना मुझे लगता है कि संतोष बड़ोनी को कोई गुरेज होनी चाहिए इस बारे में। और जिस तरीके से हमने उनका कार्यकाल देखा है और अभी जो हम लग रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आयोग में न तो अध्यक्ष है और ना सचिव है, तो अभी सचिव के रूप में भी नए जो सुरेंद्र सिंह रावत हैं उनको सचिव बना करके वहाँ भेजा गया है
और अध्यक्ष के रूप में प्रकाश चंद थपलियाल जी वहाँ पे एक सदस्य हैं और उनसे सीनियर एक मेंबर है। तो ये माना जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं आयोग में सदस्य हैं उनको जो है वहाँ पे अध्यक्ष पद दे दिया जाएगा, या फिर कोई नई व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती तब तक उनके लिए जो है कोई कार्यभार दिया जाएगा। सिंबल साहब सीधे अब सवाल वो होंगे जो छात्रों से, जो अभ्यर्थियों से जुड़े होंगे। देखिए आज सेकंड सैटरडे था, आयोग बंद था, उसमें कोई हम उनसे सवाल नहीं कर सकते थे। बड़ूनी जी भी हमने कॉल करने की कोशिश की थी, कॉल नंबर नहीं लग पाया। इसलिए जितने युवा जुड़ रहे हैं, 700 से अधिक युवा इस समय जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जो है इस समय देख रहे हैं, इसे एक एक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आप बात करेंगे। देखिए परीक्षाएं हो गई हैं, परीक्षाएं कुछ पाइपलाइन में है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है युवाओं पर, परीक्षा देने वालों पर, जो परीक्षा देने वाले थे भविष्य में उन पर, और जिन्होंने सिलेक्शन हुआ है, ये सारी चीजों का मैं आज सवाल करूंगा। पहला सवाल सिंबल साहब, जो परीक्षाएं होने वाली थी वो सीधे सीधे तौर पर अब ये नजर आता है कि उसमें डिले होगा, और वो कितने डिले होगा ये कोई नहीं जानता। क्या कहेंगे इसमें? पहला हमारी पुलिस और एसटीएफ से, विजिलेंस से भी यही मांग है कि इन भर्ती परीक्षाओं की जो जांच है वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तत्काल में तो पुलिस की भर्तियां रुकी हुई हैं। बिल्कुल, जिसके कारण पुलिस महकमे पे भी एक दबाव है कि क्योंकि पुलिस में कांस्टेबल्स की कमियां हैं, वो खुद डीजीपी साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है, तो पुलिस के ऊपर भी एक दबाव है कि भर्तियां जल्दी करने के लिए, ताकि उनके विभाग की भर्तियां सुचारू हो सके। और इसके अलावा जो तमाम भर्तियां, लगभग 7-8 परीक्षाएं हैं जो डिले हुई हैं, तो जितनी जल्दी ये जांच होंगी या फिर इसके बाद किस कौन सी वाली जांच होती है या क्या होती है, लेकिन हमारा इस मामले में पूरा ये मानना है कि हम लोग शुरू दिन से बीपीडीओ वीडियो भर्ती से लेकर फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियों से लेकर के, और उससे पहले जो आरवीएस रावत जी के टाइम पर भर्ती हुई थी 2016 के आसपास, तब से भर्ती घोटाले के सवालों को उठाते आ रहे हैं। और हमारा फिर से ये मानना है कि सरकार को भी बिना दबाव में आए हुए इन भर्तियों की थोरोली जांच करनी चाहिए। एक बार जांच शुरू हो गई है तो भर्तियां जल्दी शुरू करने का कोई नया दबाव नहीं होना चाहिए, ना मेरे ख्याल से लोगों को इस पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन ये जांचें जल्दी से जल्दी हों और सारी जांचें थोरोली जांच हो। और अगर कहीं ना कहीं एसटीएफ का दायरा छोटा पड़ता दिखाई दे तो हमारी शुरुआत से ये मांगे कि इस पूरे भर्ती घोटाले की जांच जो है सीबीआई के थ्रू होनी चाहिए। सीबीआई को अगर मुख्यमंत्री जी कहीं पाते हैं कि उनके हाथ छोटे हो रहे हैं, या एसटीएफ और विजिलेंस को कहीं लगता है कि उनके पास संसाधनों या अन्य पावर्स की कमी हो रही है, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को जो है सीबीआई को सौंप दिया गया था, उसके बाद काफ़ी व्यापक स्तर पर जो है इस पर घोटाला सामने आया था, उसी तरीके से ये जो पूरा घोटाला हुआ है इसकी जांच भी जो है सीबीआई से करा दी दीजिए। ठीक है, ये सारी जांचों को एक तरफ रखते हैं। सिंबल साहब सबसे बड़ा सवाल है, देखिए सवाल ये है, पेपर को छात्र देता है, कई सालों की मेहनत है, कई वर्षों के बाद भर्तियां यहां पर आती हैं, हमने ये देखा है। कांस्टेबल की भर्ती 7 से 8 साल बाद आती है, उसके बाद अन्य अभी पीडीओ वीडियो का पेपर आपने देखा किस तरीके से मेहनती छात्र भी हैं, और वो लोग भी हैं जिन्होंने जो एक नंबर से कोई पॉइंट नंबर से जो रह जाते हैं उनके लिए पीड़ा का एक पूरा है। अगर भर्ती निरस्त होती है तो कितना समय और लगेगा किसी को नहीं मालूम, उन लोगों का क्या अगर जो मेहनती छात्र हैं, पर इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मेहनती छात्र को कैसे पहचाना जाए, तो इसके लिए क्या आप करेंगे, एक क्या आपका क्या कहना है, क्योंकि जांच एजेंसी तो अपना काम कर रही है, लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जा रही है, बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं उनका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से कड़ियां जुड़ती हुई आ रही हैं जुड़ रही हैं, तो बड़ी मछलियां अब गिरफ्त में आ सकती हैं, मगरमच्छ जो हैं वो गिरफ्त में आ सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि युवा देख रहा है लगातार जिस तरीके से युवा जब यूकेट प्लेसी का मामला है, तमाम युवा इसे देख रहे हैं समझ पा रहे हैं, कब तक की देरी और क्या लगता है इस पूरे? देखिए जिस तरीके से विजिलेंस जांच कर रही है और जिस तरीके से अभी माना जा रहा है कि विजिलेंस के पास लगभग 50 के करीबन ऐसे और लोग हैं जो उनके रडार पे हैं, तो अगर ये संख्या 50 तक ही सीमित रहती है तो मुझे लगता है कि परीक्षा शायद कैंसिल नहीं होगी। लेकिन अगर ये दायरा बढ़ता है और कुछ नए लोग भी इस भर्ती घोटाले में नए मास्टरमाइंड या नए लोगों तक जहाँ तक पेपर पहुँचा है, अगर उसकी संख्या बढ़ती है, लगभग 900 के करीबन पदों पे ये भर्तियाँ थी, और अगर मुझे लगता है कि अगर ये 100 से भी ऊपर 100-200 से भी ऊपर अगर ये आंकड़ा जाता है, तो ये मान लेना चाहिए कि अगर 100 तो केवल पकड़ में आए, लगभग 5-6 गुना ज़्यादा लोगों तक ये पेपर पहुँचा होगा। हो सकता है कि कुछ लोग ढंग से पेपर की तैयारी न कर पाए हों नकल होने के बावजूद, तो ये भी हो सकता है। अगर 100 तक ये आंकड़ा जाता है तो हमारी भी ये मांग है कि भर्ती परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, लेकिन अगर इसका दायरा बिल्कुल सीमित रहता है और एक जगह पे ही सीमित रहता है, जैसे अगर केवल उत्तरकाशी के मोरी पुरोला तक ही सीमित रहता है या चंपावत के किसी जगह तक ही सीमित रहता है या एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तक सीमित रहता है, तो फिर सीमित दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिजल्ट आउट होने चाहिए जल्दी से जल्दी। हाँ। और अगर देखिए लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बात कही है कि जब भर्तियाँ होती हैं, क्योंकि पैसा समय सबसे ज्यादा इन भर्तियों में लगता है, आपको भी मालूम है, आप लंबे समय से
पत्रकारिता में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा को कराने के लिए और उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जहां पर आपको सेंटर्स हायर करने पड़ते हैं, आपको कर्मचारी रखने होते हैं, आपको प्रिंटिंग के पैसे देने होते हैं और जिस तरीके से आउटसोर्सिंग पर निर्भर अभी UK SSC नजर आता है और तमाम, इसके बाद सुरेंद्र सिंह रावत जी के लिए भी अहम अब बड़ा टास्क होने वाला है कि किस तरीके से आगे की भर्तियां वो कराएंगे और जो अध्यक्ष जो होंगे उनके लिए भी, क्योंकि अब देखिए मेहनती और मेहनत करने वालों के लिए और चीटिंग, जो ये दो अलग अलग खड़े हैं, अब इन्हें पहचानना भी बड़ा जरूरी है और आखिर कब तक ये होता रहेगा, इस पर रोक कब तक लगेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में कभी सरकारी नौकरियां हो पाएंगी या इस तरीके के पेपर हो पाएंगे। क्या कहते हैं सिंबा साहब? देखो प्रैक्टिकल बात यह है कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा देने से पहले जिस तरीके से अब से पहले की 7-8 भर्तियों की जांच कराई जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था कि भाई इन भर्ती जो पिछली मेरे कार्यकाल में ये और भर्तियां हुई हैं इनकी भी जांच करा ली जाए। और जिस तरीके से संतोष बड़ोनी ने कहा है, सचिव अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि और जो भी नई सूचनाएं हैं उसका भी हम लोग खंगाल रहे हैं और ताकि हम लोग भी सबक लें, आयोग भी सबक लें और किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग इसका बचाव कर रहे हैं। नकल माफिया जिस तरीके से हावी रहा है और जिस तरीके से धांधली के रास्ते निकाले गए हैं, जो नए आयोग के अध्यक्ष और सचिव हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये दबाव रहेगा कि वो संतोष बड़ोनी से और जो आयोग के अध्यक्ष एसराज हुए उनसे बेहतर काम कर पाएँ और एक मतलब एक जनता में एक अच्छा मैसेज जा पाए कि हाँ, अब जो इन ये जो सारी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, जो सारी चीज़ें गड़बड़ियां हुई हैं उनसे लीक प्रूफ परीक्षा कराने का और नकल माफिया को रोकने के लिए कोई ठीक है। मैं एक सवाल करते हैं, देखिए सवाल बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी पेपर जो अभी रद्द कर दिया जाता है या अभी रद्द हो जाता है उसकी गारंटी देने वाले कौन लोग होंगे और क्या सरकार और विभाग और UK SSC जो पूरा बना हुआ है वो इसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि अब भविष्य का सवाल है। ठीक है, आज भर्तियां किसी कारणवश कैंसिल कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, भविष्य में क्या इसकी गारंटी होगी कि आगे की जो भर्तियां होने वाली हैं उसमें चीटिंग नहीं होगी, उसमें नगल माफिया हावी नहीं होगा और जो पूर्व में हुई हैं, क्योंकि उस ये सवाल अब बहुत गहराए हैं। मेहनती छात्र अगर डिप्रेशन में आते हैं क्योंकि उनके पास कोई अब रास्ते नहीं बचे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परीक्षा का इंतजार करते करते वो उनकी उम्र चली गई है, तो ये बहुत पेचीदे सवाल है। लिहाजा मतलब ये जाहिर तौर पे ये अपने आप में उनके लिए जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए चिंता का विषय तो है, लेकिन भाई देश में कुछ कानून है, कुछ नियम है और बाकायदा है कि भाई इतने परसेंट से ज़्यादा लोगों तक अगर पेपर पहुंचता है या मतलब ये पाया जाता है कि नकल हुई है, इतने ज़्यादा अभ्यर्थी अगर पाए जाते हैं तो पेपर कैंसिल होगा। और अगर सीमित दायरा होता है, अब जैसे कोरोना में ही है भाई, पूरा लॉकडाउन सब जगह थोड़ी लगता है, अगर एक जगह पर कोरोना स्प्रेड हुआ है तो उसी जगह को लॉक मतलब सील कर दिया जाता है और अगर ज़्यादा व्यापक स्तर पे या पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लेवल पे फैल गया तो जहाँ जहाँ से केसेस आते हैं उसके आधार पे डिसाइड किया जाता है कि कितने इलाके को सील करना है। तो सेम चीज़ मेरे इस जो परीक्षाएं हैं इसमें भी अपनाई जाएगी कि तय कानूनों के अनुसार, तय नियमों के अनुसार अगर ये पाया जाता है कि एक सीमित क्षेत्र में पेपर लीक हुआ है और उसके अभ्यर्थी सीमित क्षेत्र में पास हुए हैं जो संदिग्ध हैं, उस तरीके से अगर उनका मामला सामने आता तो फिर तो सीमित इलाके में के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी जितने लोग पकड़ में आएंगे। लेकिन अगर यही पता नहीं चलता है कि भाई पेपर कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक लीक हुआ तो फिर जो मेहनती छात्र हैं उनको भी दिल में पत्थर रख करके इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारी जैसे कुछ मांगे भी हैं फिर सरकार से कि अगर ये पेपर लीक होता है तो नंबर एक तो जो अभ्यर्थी हैं उनसे कोई भर्ती का शुल्क न लिया जाए, जो अभ्यर्थी हैं मेरे ख्याल से उनको जो आयु सीमा है अगर कोई एज बार हो गया है तो आयु सीमा में भी उनको छूट दी जानी चाहिए जिन्होंने परीक्षा दे चुके हैं एक बार, और जो निकल चुके हैं जो पास आउट हो चुके हैं हो सकता है कि उनको कुछ ग्रेस के अंक भी दिए जाने चाहिए। तो अगर मेरे ख्याल से अगर ये 2-3 चीज़ें की जाती हैं, अगर भर्ती कैंसिल कराना लाजमी हो जाता है तो अगर ये 3 मानक अपनाए जाते हैं कि जो पहले सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि भाई आदमी मेन स्ट्रीम में तैयारी करते हुए एक अलग मोड में रहता है, हो सकता है दोबारा ना निकले, तो उनको कुछ ग्रेसिंग मार्क दिए जाएँ जो इनका पहले रिजल्ट जो पहले सेलेक्ट हो गए हैं और वो घोटाले में शामिल ना रहे हों, उनको कुछ मतलब 5-10% कुछ भी नंबर दे दिए जा सकते हैं, उनको टाइम एज बार मतलब एज में जो है छूट दी जा सकती है, प्लस उनको दोबारा से जो है उनसे आवेदन शुल्क वगैरह ना दिया जाए। तो अगर इस तरीके के कुछ मानक दिए जाएँ तो मुझे लगता है कि जो मेहनती छात्र है वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि भाई जब घोटाला तो जब हो ही गया तो गेहूँ में घुन भी पिस जाते हैं, तो जब इतने बड़ी स्तर पे पेपर लीक हुआ है तो अगर पेपर कैंसिल हुआ तो वो भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। आपको बता दें कि ये मात्र एक आकलन है पत्रकार का जो लंबे समय से देख रहा है। देखिए जो डिसीजन होना वो आयोग का, सरकार का होना है, उसमें सिर्फ एक तर्क दिए जा रहे हैं, तर्क ये है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा किया जाना
चाहिए और हो सकता है कि सरकार इस और निर्णय ले। सबसे पहली बात यह है कि अब सिम्बा साहब सचिव साहब का इस्तीफा आ चुका है, मतलब हटा दिया गया है, सुरेंद्र सिंह रावत जी ने ये भार संभाल लिया है। भर्तियों की बात की है, एक्सटेंड कर दी गई है, डेट को बढ़ा दिया गया है आगे। और सवाल ये भी अब कहीं ना कहीं खड़े होने लगे हैं कि अब आगे कैसे, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी होता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद आउटसोर्सिंग का जो खेल चल रहा है वो भी मैं इस बात में जोड़ूंगा कि आउटसोर्सिंग का खेल आखिर कब बंद होगा, और क्या आउटसोर्सिंग का खेल जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपको लगता है कि परीक्षाएं या रोजगार देने की जो बात है उसे ईमानदारी से निभा पाना मुमकिन होगा, क्या कहेंगे? देखिए, आउटसोर्सिंग अगर कहीं लाजमी है, मतलब आपको लगता है कि आपके पास संसाधन इतने नहीं हैं गवर्न करने के या चीज़ों के, तो ठीक है आप आउटसोर्सिंग करिए, लेकिन आप आउटसोर्सिंग कर दी है आपने इस तर्क के साथ आप आंखें मूंद नहीं सकते। मॉनिटरिंग करने के लिए तो ज़्यादा संख्या की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मन पावर की। भाई जैसे आपने UPSSC की परीक्षाओं में परीक्षाओं को आउटसोर्स कर दिया, परीक्षाओं को आउटसोर्स करने का विरोध हमने भी पहले किया था, लेकिन जब मैन पावर और संसाधनों की कमी को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आपने आउटसोर्स करवाई दी, तो कम से कम 2-3 मैन पावर तो ऐसी होनी चाहिए थी कि जो ये पूरी चेन को देखते कि भाई जो प्रोसेस चल रही है, कहाँ परीक्षा में प्रिंटिंग हो रही है, कहाँ पेपर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ रखे जा रहे हैं, कहाँ नहीं रखे जा रहे हैं, इसके लिए कम से कम सरकारी लोग वहाँ पे जो है तैनात होने चाहिए थे। अब आप लगा लीजिए आपने मैन पावर तो इतनी भी नहीं दी कि एक नया परीक्षा, एक परीक्षा नियंत्रक ही बिठा पाते आप, एक परीक्षा नियंत्रक तो आप UK SSC की परीक्षा को आयोग को दे नहीं रहे हो, और सवाल आप 10 उठा रहे हो, किस पे उठ रहे हैं सवाल? भाई ये जो पॉलिसी है आपकी कि एक और जो शासन में बैठे हुए इसी कमरों में बैठे हुए लोग हैं या जो लोग हैं कि साहब आउटसोर्स कर दिया, आप आंखें बंद कर लो, क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी से आपका कोई सेटअप हो गया, आपने आउटसोर्सिंग एजेंसी कर दी, फिर आपने मूंद दिया कि साहब फंसेगा तो वो फंसेगा, तो ये जो टेंडेंसी है कि फंसेगा तो वो फंसेगा, अरे जो फंसेगा वो तो भुगतेगा, लेकिन ये जो पूरे जो उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षाएं हैं, जो सेवाएं हैं, जो सरकार की जो सुचिता है, इसको देखने का काम किसका है भाई? कहीं ना कहीं इसकी भी, और जो वक्त बर्बाद होगा, जो संसाधन बर्बाद होंगे दोबारा परीक्षा कराने में, या जांच एजेंसियों को जो इन्वॉल्व किया गया परीक्षाओं में, भाई कुछ ना कुछ तो बर्बाद हो ही रहा है चीज़ें। जितनी जांच एजेंसियां, जितनी पुलिस की तैनाती अब इसमें लगी है विजिलेंस की, आप पहले ही 3 अधिकारियों को रख लेते, आपने अगर एक चौकीदार रखा है तो हो सकता है कि 29 दिन तक कोई चोरी ना हो महीने में, लेकिन 30वें दिन हो गई तो कम से कम चौकीदार रहेगा तो रोक तो सकेगा, लेकिन अगर आपने चौकीदार ही नहीं रखा तो कितने दिन चोरियां होंगी, रोज होंगी, नहीं होंगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता ना। तो कम से कम अगर आपके पास मॉनिटरिंग एजेंसी होती, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को काम देके आपने काम आंख बंद नहीं की होती, तो कम से कम आज ये बातें नहीं होती। आज इतना बड़ा पुलिस बल, इतना बड़ा महकमा, इतना बड़ा तंत्र जो है इससे निपटने में नहीं लगा होता, इस फायर फाइटिंग में, अगर समय रहते इन्होंने 2-3 नियुक्तियां कर दी होती अगर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए। लेकिन जब आप परीक्षा नियंत्रक ही नहीं रख पा रहे हो तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो जाहिर सी बात है कि हमारी यही मांग है, यही कहना है कि आउटसोर्सिंग के नाम पे आप कम से कम आंखें बंद ना करें, और अभी तक यही हो रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है किसी परीक्षा में, नहीं किसी ये जो कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं 4th क्लास से लेकर सब भर्तियों में आउटसोर्सिंग क्यों करी जाती है? एक तो आपके एजेंसी से कमीशन खाने के लिए मिल जाता है, दूसरी ओर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तीसरा आपके शोषण के लिए वो मिल जाते हैं कि भाई अगर इसने मेरा काम कर दिया, व्यक्तिगत बाथरूम में काम कर दिया, टॉयलेट साफ कर दी, कुत्ते घुमा दिए, तो नौकरी में रहेगा, नहीं तो आप भगा दोगे। सरकारी एजेंसी जिसकी नौकरी पक्की है उससे आप शोषण नहीं कर सकते। तो अधिकारियों ने अपने स्वार्थों के लिए, अपना शोषण कराने के नए तरीकों के लिए और अपने कमीशनबाजी के चक्कर में ये आउटसोर्सिंग का खेल खेला, वरना आप भाई परीक्षाएं तो हर साल होनी है, कैलेंडर हर साल बनेगा, सब चीज़ें बनेगी, कुछ परमानेंट नियुक्ति नहीं कर सकती तो संविदा पे कर लो, संविदा पे नहीं कर सकते तो इतने सारे विभाग, सिंचाई विभाग से लेकर के तमाम ऐसे विभाग हैं जहाँ सरप्लस स्टाफ है, लोग खाली बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं विभागों के जो बंद पड़े हैं और उनके कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं खामखा, आप उनको समायोजित कर दो ना, उनको ट्रांसफ़र कर दो, उनका सेवा अंतरण कर दो, सर्विस ट्रांसफर कर दो, उनको यहाँ मर्ज कर दो, या यहाँ आप डेपुटेशन पे भेज दो उनको आयोग में, वहाँ काम करेंगे, कम से कम भाई तनख्वाह ले ही रहे हैं तो 2-4 काम ही देख लें, लेकिन देखेगा कौन, जिम्मेदारी लेगा कौन भाई? आपको अगर सरकार सिर्फ सर्विस ट्रांसफर कर दे, डेपुटेशन पे भेज दे, प्रतिनियुक्ति पे भेज दे, तो सरकार को एक्स्ट्रा स्टाफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आउटसोर्सिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पर्याप्त सरप्लस स्टाफ उत्तराखंड सरकार के पास है कि जिससे वो इस तरीके के आयोगों में पर्याप्त मैन पावर अनुवेक्षण के लिए भी, पर्यवेक्षण के लिए भी, मॉनिटरिंग के लिए भी, अनुसरण के लिए भी, तमाम जगह के लिए वो रख सकता है। बिल्कुल, लेकिन सोच ही नहीं है, सोच तो ये है कि आपने काम सौंप दिया और आंखें बंद कर लो तो ये गड़बड़ियाँ होंगी।
बिल्कुल गड़बड़िया होंगी होंगी, और क्योंकि कभी देखिए कमेंट देखिएगा समझिएगा, अभी कमेंट कुछ युवाओं के हैं, अब वो भी सेम्बा साहब आपको भी बताएंगे, क्योंकि अब ये किस और ये जा रहा है, हमने ये भी देखा कि राजनीतिक इस मुद्दा ऐसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। अब लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मेहनती बच्चों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और उनकी बात नहीं रखी गई, जिस भर्ती परीक्षा में लेकर लगातार जब हड़तालें और ये समय इनका कूच हो रही थी तो पहाड़ टीवी उस समय वहां खड़ा था। हम किसी व्यक्तिगत अगर मैं बात करूंगा, जिस तरीके से कमेंट आप लोग कर रहे हैं, मैं आपका जवाब इसमें जरूर दूंगा कि आप जरूर देखिएगा कि मेहनती बच्चों जो बात मेरे पास लेके आएंगे, हमने वो खबर भी चलाई है और उन लोगों का पक्ष भी रखा है, और ये दोनों पक्ष सुने भी जाने चाहिए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि कौन क्या है, वो एसटीएफ का काम है कि जज करना कि कौन मेहनती है कौन नहीं, वो हम या आप नहीं करेंगे, उसके बाद कोर्ट इसमें डिसाइड करेगा कि क्या होगा। सिंबल साहब, खैर ये तो बातें होती रहेंगी, इसमें आखिरी सवाल ये है कि सफेद पोश की जो बात हो रही है, क्या लगता है अब वहां तक पहुंचने वाले हैं ये सारी चीजें, क्योंकि कड़ियां जुड़ी हैं, अब कई बड़े नाम भी हो सकता है इसमें आए, क्योंकि अब निजी सचिव से लेकर इनके नाम आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस तरीके से, जैसे आयोग के अध्यक्ष और सचिव ही निशाने पे थे, अब तक पूरे लोग बोल रहे थे इनको हटाओ, इनके खिलाफ बर्खास्त करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। आयोग के जो अध्यक्ष हैं एस राजू, इन्होंने पहले यहीं देहरादून में जमीन खरीद ली थी सहस्त्र रोड पे, अब उन्होंने कहा मुझे इस उत्तराखंड में रहने नहीं है, मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया, अब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं बहुत निराश हूँ और मैं जा रहा हूँ चेन्नई, वहीं रहूँगा। संतोष बडोनी है, इन्होंने जितना भी काम किया आज सचिवालय वापस हो गए। भाई हम ये नहीं कहते कि इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, भाई एसटीएफ विजिलेंस इनकी भी जांच कर रही होगी, इनके भी फोन ट्रैक पे होंगे, सब कुछ होगा, जिस दिन इनके खिलाफ कोई सबूत मिल गया उस दिन इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, श्योर शॉट है। लेकिन हमारा कहना है कि किसी का करेक्टर असैसिनेशन ऐसे नहीं कराना चाहिए, किसी को आप ऐसी भावनात्मक तौर पर कह दें कि साहब ये भ्रष्ट है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है कि हम किसी को पहले ही क्लीन चिट दे दे बिना जांच के। बिल्कुल, मैं अभी उस जांच में सामने कुछ भी नहीं आया, तो ऐसे में मैं कह दूं कि साहब एस राजू ईमानदार है या संतोष बडोनी ईमानदार है, ये भी जल्दबाजी होगी, ये भी एक तरीके का दूसरा चलक क्लाइमैक्स है, और ये कहना भी क्लाइमैक्स है कि वो भ्रष्ट है। दोनों तरीकों में भावनात्मक रूप से बात करने के बजाय लॉजिकली आगे बढ़ा जाना चाहिए। और जिस तरीके से आप जो अभी कह रहे थे कि आपके कमेंट भी आ रहे होंगे कि भाई देखो पहाड़ टीवी है या हम लोग हैं, जब परीक्षाओं में धांधली की आवाज पहाड़ टीवी, प्रवचन या दो तीन जो सोशल मीडिया के चैनल है, इनके अलावा और किसने उठाई? भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया, तो इसमें कुछ नहीं बोल रहा था ना, प्रिंट मीडिया ने तो तब बोलना शुरू किया जब मुकदमा दर्ज हो गया। बिल्कुल, तो मुकदमा दर्ज होने तक और धांधली की आवाज उठाने तक लगातार मुकदमे खाओ, लगातार झेलो, बॉबी पवार जैसे लोग हैं जो लगातार लड़ते रहे, हम लोग उनकी आवाज को लगातार आप लोग उठाते रहे, ठीक है, हम लोग धांधलियों के आशंकाओं को लगातार उठाते रहे, तब तो ये अभ्यर्थी भी कहीं नहीं थे। तो जनता में ये बात निकल के कहां से सामने आई? हम जैसे मीडिया के थ्रू ही सामने आई, हमारे जैसे लोगों के थ्रू, जैसे पार्टी भी जैसे लोगों के थ्रू सामने आई। तो आज अगर जो मेहनती अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं, तो भाई ये तो माध्यम है मीडिया, हमें सभी की बात रखनी, तो हम सभी की बात रखेंगे, लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये तो जांच के बाद ही तय चलेगा ना। इस पे भावनात्मक रूप से कुछ भी कहें हम दे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो ज्यादती है। और हर एक चीज़ के लिए क्राइटेरिया, एक कैटेगरी बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ है, पेपर चीज़ें हुई हैं, तो परीक्षाएँ कैंसिल होनी चाहिए। और अगर लगता है कि भाई एक सीमित मोरी के इलाके में या उत्तरकाशी इलाके में या टीरी के एक सीमित इलाके में या सीमित सेंटर तक परीक्षा लीक हुई है, तो उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। तो अगर दोनों चीज़ों में जो भी हैगा, क्योंकि रोज़ नई, हर एक दिन लगभग जो है औसतन देखा जाए तो लगभग रोज़ एक नया व्यक्ति पकड़ा जा रहा है एसटीएफ और विजिलेंस के द्वारा, और ये कार्रवाई अभी आगे तक चलती रहेगी, तो कहाँ तक पहुँचेगी ये बात, कहाँ तक सूत्र मिलेंगे? दो सचिवालय के लोग पकड़े जा चुके हैं इसमें, और वो दोनों लोग, मतलब ये बड़ी बात है कि वो दोनों लोग कोई पुराने लोग नहीं थे सचिवालय के। बिल्कुल, इसका मतलब है कि सचिवालय का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। मतलब अभी तक के जो कहने के अनुसार जो हम देख सकते हैं कि दो जो लोग पकड़े गए वो प्रोबिशन पीरियड में, यानी नए भर्ती हैं सचिवालय में, अपर निजी सचिव के पद पे आयोग से यूके पीएससी से चुन करके आए हैं और प्रोबिशन पीरियड में हैं। तो इसका मतलब वो भी हो सकता है कि उनकी अपनी भर्ती भी घोटाले में शामिल रही हो, कहीं ना कहीं वो नकल तंत्र के साथ हैं, तो हो सकता है कि इसकी आंच आने वाले समय में यूके पीएससी तक भी पहुंचे। भाई जिस तरीके से एक महिला ने अपनी प्रवक्ता की नियुक्ति में जो आरोप लगाए थे सदस्य पे, एक आयोग के एक सदस्य पे यूके पीएससी में, और जिस तरीके से ये दोनों लोग यूके पीएससी से सेलेक्ट होके आए और दोनों यूके एसएससी में भी भर्ती के घोटाले में भी लिप्त पाए गए हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये नकल माफिया, या एक और तो यूके पीएससी तक भी पहुंच चुका है कहीं ना कहीं, और दूसरा इसमें नए लोग शामिल हैं, और
हो सकता है कि सचिवालय का जो पुराना जो सिस्टम है, पुराने जो अधिकारी हैं, हो सकता है उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें ना हो उस तरीके से, और अगर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मुझे लगता है कि इसका दायरा सीमित हो। खैर, लेकिन असली बात जो होगी वो तो आने वाली जांच के बाद ही पता चलेगी, और विजिलेंस जैसी इकाई इसमें जांच कर रही है तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन हमारी मांग फिर भी ये है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि एसआईटी, विजिलेंस, एसटीएफ ये एक राज्य सरकार की इकाइयाँ हैं, और इन भर्ती घोटालों में कांग्रेस और भाजपा दोनों समान रूप से मिली भगत रही है, और समान रूप से इनके नेता भी, इन नेताओं की भी मिली भगत सामने आई है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर राज्य से बाहर की कोई एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी की जांच करेगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर जांच हो पाएगी। सर, मतलब आखिरी सवाल जाते जाते ये करूंगा, क्योंकि एक नेता का लगातार कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो विदेश जो चले गए थे उनका नाम इसमें बार बार कई लोग ले रहे हैं। हाकम सिंह रावत का, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा था कि वो 10 तारीख को वापस लौट रहे हैं, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उनसे भी बात हमने करने की सोची थी। सर, मतलब क्या लगता है कि इस तरीके से क्या हाकम सिंह रावत, देखो मुझे लगता है कि जैसे संतोष बड़ोनी है वो कहीं भागा नहीं है, आयोग का अध्यक्ष कहीं भागा नहीं है, हाकम सिंह रावत को 10 तारीख को आना था लेकिन वो नहीं आया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जांच से वो भागता है प्रथम दृष्टिया जो कुछ गलत होता है। तो जब वो पहले, जब उनसे बात हुई थी, हमारी भी बात हुई थी, तो पहले वो कह रहे थे कि हाँ मैं आऊँगा और सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और एसटीएफ से भी मिलूंगा, विजिलेंस के ऑफिस में भी जाऊँगा, और आज जब विजिलेंस उनका वेट कर रही है तो उनका फोन ही नहीं लग रहा है, तो इससे संदेह बढ़ता है। बिल्कुल। पर यह भी हो सकता है कि वो अपनी अग्रिम जमानत के लिए या दूसरी चीजों के लिए पहले अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हो, मुकदमा तो कोई हुआ नहीं है अभी। नहीं, फिर भी आदमी ले लेता है, फिर भी आदमी अपने बचने के लिए जो है कि भाई इससे पहले कि मुकदमा हो, इससे पहले कि मुझे फंसाया जाए, मैं अग्रिम व्यवस्थाएं कर लूं, तो हो सकता है उसमें लगे हों, क्योंकि किसी को भी अपने बचाव का साधन करने का अधिकार है किसी को भी। तो लेकिन माना यही जाएगा कि अगर वो जांच से बच रहे हैं, अगर वो जांच से बचते हैं, बुलाने पे भी एसटीएफ के सामने हाजिर नहीं होते हैं, जांच एजेंसियों के सामने नहीं आते हैं, तो प्रथम दृष्टया यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिंपल साहब, और तमाम युवा साथी देख भी रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, हम अपना जो कार्य है बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और जिसको जो लगातार कमेंट में देख रहा हूं, जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की बात जो चलती है, मुझे पता है आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप लोग आरोप और प्रत्यारोप की ये करते रहेंगे, पर आपको मैं बता दूं, जो एक मीडिया का कार्य है वो हम जरूर बाखूबी कर रहे हैं और बाखूबी निभाते रहेंगे। हमने भी ये कसम खाई है कि सत्य की लड़ाई में, सत्य की राह पर चलते हुए ये लड़ाई लड़नी है, और आगे इस प्रदेश के जितने तमाम मुद्दे रहेंगे उसको भी उठाते रहेंगे। तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।